अंदर से दिखा रहे हैं तुम्हारे लिए। ये मुर्दा खो के नाम से जाना जाता है इसे, और इसको अंदर ले चलेंगे और आपके लिए दिखाएंगे। इसके अंदर पानी भी है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो सब दिखाएंगे तुम्हें वीडियो में अंदर। खूह में थोड़ा सा नीचे उतरे हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों पर सूखा घास छाया हुआ है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है। अगर बारिश का मौसम होता तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। इसमें बड़ी बड़ी बेलें छाई होती और चिकना हट लिए हुए घास भी खड़ा रहता, तो हमारे गिरने का डर रहता। रास्ते में हमें ये पानी भरा मिला है चट्टान के नीचे, जो छाया में रहता है और ठंडा रहता है। इससे यहाँ पंछी पानी पीते रहते, मोर, गिद्ध, कबूतर और मधुमक्खी के छत्ते भी यहाँ लटके हुए हैं चट्टानों में, जिससे मधुमक्खी भी यहाँ हमें पानी पीती बैठी हुई मिली हुई है उस पे। अब यहाँ गहरा नज़ारा तुम्हें देखने को मिल रहा है, जो गहरी खाई है। अगर यहाँ से हम जरा सी भी फिसल जाते हैं तो बहुत नीचे चले जाएंगे और भैया बचना मुश्किल हो जाएगा हमारा। इन जंगलों में पेड़ों में मुख्यतः धौ, खैर, गुर्जन, चुड़ैल तो नहीं पाई जाती है यहाँ। करे का पेड़ पाया जाता है, तेंदू का पेड़ पाया जाता है। करे का पेड़ होता है जिसे कतीरा, जो गोंद खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम ऐसी खतरनाक जगह पर हैं जहां से अगर हम जरा से भी हिल गए तो मानो हमारी नीचे गिर जाएंगे। और बचना, और भैया ऐसी चट्टान तो हमें जिंदगी में घूमने को कहीं नहीं मिलेगी। शायद वो इसी मुर्दा खो में ही मिल रही है हमें, क्योंकि ऐसी हम बहुत जगह गए हैं, हमें नहीं देखने को मिली है, और फिर ये जंगलों में ही मिलती है। आज की शूटिंग की है चंदीलपुरा विलेज करौली राजस्थान में, और पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा।